तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन ज्ञान पेलने वाले हैं कैशे मेमोरी के ऊपर। आपके फोन में, आपके स्मार्टफोन में या आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, सब जगह आपको एक कैशे मेमोरी देखने के लिए मिलती है और ये चीज आपकी एप्लीकेशन कैशे से बिल्कुल अलग होती है। भाई जब आपकी एप्लीकेशन कोई हैंग हो जाती है या आपका फोन हैंग हो जाता है तो आप फटाफट से जाते हो कैशे क्लियर करते हो, ये वो वाली कैशे नहीं होती भाई। ये एक हार्डवेयर कैश मेमोरी होती है। वो वाली जो कैश होती है वो वर्चुअल कैश मेमोरी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाता है। उस वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले। वो कैश है, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि वो आपकी एप्लीकेशन का एक स्नैपशॉट होता है या आप जो पेजेस एक्सेस करते हैं उनका एक स्नैपशॉट होता है। लेट्स से कि भाई आपको कोई पेज आप एक्सेस करते हो या मान लो facebook.com आप एक्सेस करते हो, जो उसके एक पेज में जितनी आपकी न्यूज फीड आती है। अब बार बार भाई मैं अगर सर्वर पर जाता हूं, बार बार वो इमेजेस को कॉल करता हूं या उनको रिक्वेस्ट करता हूं, तो वहां पर आपका डेटा ज्यादा एग्जीक्यूट होता है। तो भाई पहली बार में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बार में वहां से निकाला या अपने सर्वर पर गया, वहां से डेटा रिक्वेस्ट करा और उनको कैशे बना करके अपने पास में स्टोर कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो तो बार बार सर्वर के पास में नहीं जाता है, वो यहीं से आपको लोड कर देता है। ये होता है वर्चुअल कैशे जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाता है। इस वीडियो के अंदर हम कैशे मेमोरी की बात करने वाले हैं जो हार्डवेयर होती है और वो कैसे काम करती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे काम करती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैश मेमोरी एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप कोई स्मार्टफोन यूज करते हो या टैबलेट यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो या डेस्कटॉप यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, वहां पर बेसिकली आपको तीन टाइप की मेमोरीज देखने को मिलती है। जो पहली मेमोरी होती है वो रोम होती है, जो कि साइज में सबसे ज्यादा बड़ी होती है और भाई स्पीड में सबसे ज्यादा कम होती है। अब रोम भाई या तो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, SSD हो सकती है, लेकिन वो चीज जहां पर आपका मेन डेटा स्टोर रहता है लेकिन स्पीड आपको सबसे ज्यादा कम मिलती है। दूसरी टाइप होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर आपके जो प्रोग्राम्स हैं या जो आपकी एप्लीकेशंस आप रन करते हैं उनके स्नैपशॉट स्टोर रहते हैं और भाई ये जो मेमोरी है ये साइज में थोड़ी कम होती है रोम से, लेकिन स्पीड में थोड़ी फास्ट होती है। इसी तरीके से तीसरा टाइप होता है मेमोरी का, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है वो भाई साइज में तो रैम से भी कम होती है लेकिन स्पीड में रैम से 4 से 5 गुना तक ज्यादा फास्ट हो सकती है। हालांकि कैश मेमोरी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो आगे चल के हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कोई सा भी टाइप ले लो वो आपको रैम से फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम देता है। तो कुछ इस तरीके से मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहां पर कैश मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है। अब भाई कैश मेमोरी एक्चुअल में काम कैसे करती है इस चीज को डिस्कस करते हैं और इस चीज को मैं बताता हूं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से। आई होप आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल अपन लेते हैं एक दुकान वाले का, या आप मान के चलो कि आपकी एक दुकान है और आपका एक गोडाउन है। आपके गोडाउन में आप सबसे ज्यादा सामान स्टोर करके रखते हो, वहां पर कार्टन्स में सामान रखा रहता है। जैसे ही आपके पास में बड़े बल्क में सामान आता है होलसेल में, सारा आप अपने गोडाउन में भर देते हो। दुकान में आप थोड़ा थोड़ा सामान रखते हो और भाई एक आपका काउंटर होता है जहां पर आप छुटपुट सामान रख लेते हो। अब भाई मैं मान के चलता हूं एक कस्टमर आया आपके पास में जो बोलता है भाई कि एक पार्ले जी का पैकेट चाहिए उसको। तो भाई अगर आप यहां से उठ के बार बार गोडाउन में जाते हो, भाई मैं आया आपके पास में, मैं बोला आपको कि भाई एक पार्ले जी का पैकेट दे दो, अब आप उठ के गए हो गोडाउन में से पार्ले जी का पैकेट लेकर के आए और मेरे को दे दिया, तो भाई इस चीज में टाइम काफी ज्यादा लगा। तो आप क्या करते हो, आपकी दुकान में या आपके गोडाउन में अगर 10 कार्टन्स रखे हुए हैं पार्ले जी के, तो उसमें से एक कार्टन को आप खोल करके वो पार्ले जी सारे अपनी दुकान में जमा लेते हो। अब भाई नेक्स्ट टाइम मैं अगर आपके पास में आता हूं कि भाई एक पार्ले जी का पैकेट दे दो, तो आप क्या करोगे, आप उठ के जाओगे दुकान में, आपकी शेल्फ में से निकाल के लाओगे, फटाक से मेरे को दे दोगे। तो एग्जीक्यूशन टाइम यहां पर फास्ट हो गया, लेकिन इस एग्जीक्यूशन टाइम को आप और फास्ट कर सकते हो। कैसे फास्ट कर सकते हो कि भाई 10 कार्टन में से आपने एक कार्टन खोल करके अपनी दुकान में जमा लिया, तो भाई उसमें से 100 पैकेट्स निकले थे। अब 100 पैकेट्स में से अगर आप 25 पैकेट अपने काउंटर पे जमा लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास में आता हूं कि भाई एक पार्ले जी का पैकेट दे दो, तो आप फटाक से काउंटर से उठा करके मेरे को दे देते हो। अब एग्जीक्यूशन टाइम आप कंपेयर कर लो कि आप उठ के गोडाउन तक गए और भाई आपने यहीं से उठा करके दे दिया, तो कितना डिफरेंस आ गया यहां पर। यही काम होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो प्रोसेसर एक बार जब उनको एग्जीक्यूट कर लेता है तो उनको कैश में स्टोर करके रख लेता है। रैम में तो रहता है स्नैपशॉट, लेकिन जो प्रोसीजर
प्रोसीजर्स हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैश में स्टोर करके रख लेता है, ताकि अगली बार जब सेम रिक्वेस्ट आए तो उसको बार बार गोडाउन में न जाना पड़े या बार बार दुकान की शेल्फ पे न जाना पड़े, वो कैशे से ही उनको उठा करके फटाफट से एग्जीक्यूट करके हमको डेटा रिटर्न कर देता है। तो कैशे मेमोरी कुछ इस तरीके से काम करती है। बेसिकली अगर बोले तो जो चिपसेट होता है, जो प्रोसेसर होता है और जो आपकी रैम होती है, उसके बीच में एक बफर का काम करती है कैश मेमोरी, जो कि भाई अगर उसमें डेटा नहीं मिला तो ऑब्वियसली आगे जाना पड़ता है प्रोसेसर को, लेकिन अगर डेटा मिल जाता है तो एग्जीक्यूशन काफी फास्ट हो जाता है। आई होप आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि भाई कैशे मेमोरी कैसे काम करती है। अब आगे चल के अपन बात करने वाले हैं कि कैशे मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। भाई बात करें तो बेसिकली तीन टाइप की होती है कैश मेमोरी, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे, लेवल 3 कैशे, जिनको छोटे में L1, L2, L3 बोल देते हैं। भाई ये जो तीन टाइप होते हैं ना, इसमें जो L1 और L2 होते हैं, ये जो आपके प्रोसेसर के कोर्स होते हैं। अब भाई अपने प्रोसेसर की अगर बात करें तो जैसा आपको बताया, डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, हेक्सा कोर हो सकता है, ऑक्टा कोर हो सकता है, या डेका कोर भी हो सकता है, मतलब 10 कोर तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो L1 और L2 वाली जो कैशे टाइप होती है, ये कोर की इंडिविजुअल कैशे होती है, ये शेयर्ड नहीं होती है, हर कोर की अपनी खुद की एक कैशे होती है और वो हो सकती है L1 या L2 टाइप की। L3 टाइप जो कैश होती है वो कोर्स के बीच में शेयर्ड होती है, यानी कि भाई ये कोर्स के साथ में नहीं मिलती है आपको, प्रोसेसर के साथ में नहीं होती, ऑनबोर्ड होती है, नेक्स्ट टू इट हो सकती है, अगली IC पे हो सकती है, लेकिन भाई आपको शेयर्ड रहती है। ये सारे कोर्स यूज करते हैं L3 कैशे को। L1 जो कैश होता है वो बस साइज में बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन भाई स्पीड में सबसे ज्यादा तेज होती है। L2 कैश जो होती है, भाई L1 जो कैश है ना, वो आपको प्रोसेसर के साथ में ही देखने को मिलती है, इंटीग्रेटेड ही देखने को मिलती है। L2 कैश जो होती है वो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट IC पर देखने के लिए मिले, लेकिन उनके बीच में जो कनेक्टिविटी बस होती है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, तो वहां से डाटा ट्रांसफर काफी ज्यादा तेज हो जाता है। L2 कैश जो होती है वो बेसिकली 256 KB से 512 KB तक की हो सकती है, और डेटा ट्रांसफर इसमें थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू L1, लेकिन भाई काफी ज्यादा तेज रहता है फिर भी। जो बस बीच में यूज करी जाती है, अगर ऑनबोर्ड यूज नहीं किया जाता है, नेक्स्ट IC पर अगर यूज किया जाता है, तो जो बीच में कनेक्टिविटी बस यूज करी जाती है वो भी काफी ज्यादा हाई स्पीड होती है। और L3 वाली जैसा मैंने आपको बताया शेयर्ड होती है। साइज की अगर बात करें तो 1 MB से 8 MB तक की यहां पर साइज हो सकती है L3 कैशे की, और भाई स्पीड में तीनों में थोड़ी सी कम होती है। तो ये होते हैं कुछ कैशे टाइप्स। अगर मैं किसी प्रोसेसर की अगर बात करूं कि कौन सा प्रोसेसर किस टाइप की कैशे वगैरह यूज करता है, स्नैपड्रैगन 865 की अगर बात करें तो यहां पर आपको L2 कैश मिलती है अलग अलग कोर्स के अंदर, यानी इंडिविजुअल L2 कैश देखने को मिलती है और शेयर्ड कैश L3 वाली देखने को मिलती है। अगर पहले कोर की बात करें, जो हाई परफॉर्मेंस कोर होता है, वहां पर आपको 512 KB की L2 कैश देखने को मिलती है। दूसरा और तीसरा और चौथा, जो तीन कोर और मिलते हैं आपको लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, वहां पर आपको L2 कैश मिलती है लेकिन 256 KB की, और जो चार एफिशिएंसी वाले कोर्स मिलते हैं वहां पर 128 KB की L3 कैश देखने को मिलती है। तो कुछ इस हिसाब से कैश का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है भाई, अलग अलग कोर्स में अलग अलग साइज की आपको कैश देखने को मिलती है, और उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस भी भाई उन कोर का ज्यादा या कम निकल के आता है। तो कुछ इस तरीके से काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि L1, L2, L3 कैसे काम करती है। अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कैशे लेटेंसी की। कैशे लेटेंसी की अगर मैं बात करूं भाई, तो एक बार फिर से उसी एग्जांपल को अपन लेते हैं कि अगर भाई मैं आपसे पार्ले जी का बिस्किट लेने आया, आपने उसको सर्च किया भाई, हाथ डाला अंदर काउंटर में, इधर उधर देखा, वो अगर आपको नहीं मिला तो अब आपको जाना पड़ रहा है अपनी शेल्फ पे, वहां से जाकर के निकाल के लाना पड़ रहा है। तो भाई कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, कभी भी डेटा चेंज हो जाता है उसका, या ये हो सकता है कि वो पावर पर डिपेंड करती है एक्चुअल में, जैसी पावर गया वैसे डेटा क्लीन हो जाता है, उसमें टेम्परेरी डेटा रहता है, परसिस्टेंट डेटा नहीं रहता है। तो भाई मैंने देखा काउंटर के अंदर, यार पार्ले जी मेरे को नहीं मिला, मैं उठ के गया वहां से निकाल के लाया, तो टाइम कितना वेस्ट हुआ। अगर मेरे को पहले से पता है कि कैश में नहीं है तो मैं उठ के जाता, पीछे से निकाल के लेके आ जाता, लेकिन पहले मेरे को काउंटर में चेक करना पड़ा कि यहां पे नहीं है, फिर मैं उठ के गया शेल्फ में से निकाल करके लाया और आपको दिया, तो जो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है काउंटर में ढूंढने वाला, उसको बोलते हैं कैशे लेटेंसी। जब प्रोसेसर कैशे में किसी चीज को सर्च करता है और वो चीज उसको नहीं मिलती है, और उसके लिए फिर उसके पास उसको दूसरे रिसोर्सेज के पास जाना पड़ता है, चाहे वो रैम हो या रोम हो, तो भाई जो टाइम वेस्ट होता है यहां पर कैशे सर्च करने में, उसको बोलते हैं कैशे लेटेंसी। तो भाई ये थी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर कैशे के बारे में, तीन टाइप की कैशे, L1, L2, L3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैशे क्या होती है, कैसे काम करती है, कैशे लेटेंसी क्या होती है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, मेरे लेवल पे जितना ज्ञान मेरे को था भाई मैंने सारा पेल दिया है यहां पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है भाई, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।